वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, कृषिवर गेमिंग में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम क्या करने वाले हैं, सोचने वाली बात है। तो गाइस देखो, एक तो मैं कुछ चीजें बनाने वाला हूँ, अपने स्ट्रक्चर्स कुछ ऐड करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि देखो हमारे पास सिर्फ फैब्रिकेटर है और हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है। और साथ में हम क्या करेंगे, और साथ में हम एक नया मतलब एक नई जगह जाने की कोशिश करेंगे जहाँ हम गए नहीं है, रेड बोर्ड के आसपास जाने की कोशिश करेंगे, 60 के आसपास कहीं, क्योंकि हम उस एरिया में अभी तक गए नहीं है गाइस, और ऊपर भी नहीं गए अभी। हमने 10-10 का एरिया है ना, तो 10-20 और 10-10 का एरिया, तो हम ऊपर उधर भी जाने की कोशिश करेंगे। तो हाल फिलहाल हम क्या करते हैं गाइस, हम थोड़े से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, हमें क्या क्या चाहिए। ओके गाइस, तो मैं बनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ देखो क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज बता दूंगा गाइस, देखो हमारा कहाँ गया मैग्मासोर, कहाँ गया देखो, ये रहा हमारा मैग्मासोर। ओके, शेडल वाला मैग्मासोर का है जिसका हमारे पास शेडल था, किधर गया, अच्छा वो रहा। तो गाइस देखो, मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, देखो ये मैग्मासोर है हमारा, और इसकी आप अगर इन्वेंट्री देखो तो मैं आपको थोड़े से कुछ चीजें बताता हूँ। देखो इसकी इन्वेंट्री में आप देखो मेटल कितना है, 5000 मेटल्स है। ओके, 5000 मेटल, 968 मेटल्स। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना मेटल आया कहाँ से इसके पास, है ना। तो यार ये जो बंदा है ना, ये बहुत अच्छा मेटल कलेक्टर है, मैं सही बता दूँ आपको, बहुत अच्छा मेटल कलेक्टर है। और अगर आपको भरोसा नहीं होता ना, तो एक सेकंड रुको जरा, मैं इसको ना किसी कई मेटल के पास लेके जाता हूँ और मैं आपको इससे थोड़ा सा हार्वेस्ट करके दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा पड़ जाएगा। ओके गाइस, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर बिल्कुल करना, और जो बेल वाला आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करना, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियोस है वो आप तक सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुंचे गाइस। तो थोड़ा सा ट्राई करो कि आप थोड़ा सा मतलब उसे कर सको, मतलब कम से कम सब्सक्राइब करो यार गाइस, अच्छा लगता है, काफी मोटिवेशन मिलता है उससे। और हाँ गाइस, ये वीडियो को पूरा बहुत जरूर जरूर देखना, क्योंकि हम पता है इसमें आज क्या क्या करने वाले हैं। एक तो हम इसमें है ना वो रॉक ड्रैग को ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है, और भी कुछ कुछ नया करने वाले, तो वीडियो को पूरा देखना गाइस। ओके गाइस, चलो गाइस। तो गाइस देखो, हम आ गए ये मेटल के पास, अगर आपको दिख रहा हो तो ये हमारा मेटल है, ये देखो सामने डला हुआ है ना, ये देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये हमारा मेटल। ओके, तो मैं इसको ना इससे हार्वेस्ट करके बताऊंगा आपको ये कितने मतलब कलेक्ट करता है, ठीक है। तो मैं इस पर ही ट्राई करता हूँ, फर्स्ट देखना आप एक स्पॉन को तोड़ने पर कितना हमें मेटल मिलता है, साइड में देखना आप यहाँ से 1518। ओके गाइस, 1518 मेटल सिर्फ एक से, देखो इससे फिर से इतना, मतलब गाइस मैं सही बता रहा हूँ, अभी आप देखना मैं इतनी देर में कितना मेटल इकट्ठा करता हूँ। ओके, बस यहीं से सिर्फ इतनी सी जगह से, ये 4-5 मेटल रॉक से मैं कितना हार्वेस्ट कर लेता हूँ, आप देखना बस। ये देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ जरा इसकी इन्वेंट्री में, देखो आप 5000 का एक स्लॉट पूरा हो गया, ये भी पूरा स्टैक पूरा हो गया, और 3 स्टैक हमारे पास 5000 के, मतलब 15000 तो ये हो गया और 138 अलग से हो गए, मतलब समझ सकते हो कि कितना ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा ये कलेक्ट करता है गाइस, बहुत ज्यादा मेटल कलेक्ट करता है ये, मैं सही बता रहा हूँ। देखो वो और आगे मेटल है, तो हम क्या करते हैं गाइस, पूरा मेटल ले लेते हैं, क्योंकि देखो अब हमें थोड़े से मेटल की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम थोड़ा सा अपना बेस को भी बनाएंगे और दूसरे में बहुत सारी चीजें भी बनानी गाइस। पता है क्या, मेटल की तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम किस चीज की आती है गाइस, सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम आती है उसकी, क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग पेस्ट की। अब सीमेंटिंग पेस्ट के लिए ना मुझे क्या करना होगा मालूम है, वो एगेटिना होता है ना, उसको टेम करना होगा गाइस। अब उसको तो मैं भी टेम कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास वो वेजी केक नहीं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमको वेजी केक भी बना लें, उसके लिए हमको जो जो चाहिए हम उसको इकट्ठा कर लेंगे, और बस यही है गाइस, और क्या, अभी तो और कुछ भी नहीं है। बाकी हम अपने मैग्मासोर को वापस लेके चलते हैं अपने बेस पर, थोड़ा स्लो हो गया पर कोई ना, चलते हैं। तो गाइस हम अपने बेस पे आ गए हैं और मैं इस मैग्मासोर को यहीं रख रहा हूँ, और इससे बहुत सारा मेटल है हमारे पास, मैं सही बता रहा हूँ, आप समझ सकते हो मैं कितना सारा मेटल लेके आया हूँ गाइस, ठीक है। देखो गाइस, एक तो हमको ये चाहिए केमिस्ट्री बेंच, ओके, एक हमें ये केमिस्ट्री बेंच चाहिए, और क्या चाहिए हमें, और मैं बताता हूँ, और हमको ये फोर्ज चाहिए, इंडस्ट्रियल फोर्ज, जिसमें हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा मेटल को वो कर सकेंगे, मतलब मेल्ट कर सकेंगे। तो चलो वो तो अभी इतना ज़्यादा इशू नहीं है, मतलब वो तो चलो हम बना ही लेंगे, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और दूसरा हमें क्या चाहिए, जनरेटर चाहिए जिससे उसको पावर मिलती है। देखो गाइस, ये जो जनरेटर है ना, ये चाहिए हमें S+ का जनरेटर, एक तो ये चाहिए हमें,
तो ये दोनों चीजें ना बनानी है और हम इसको ही बनाने की कोशिश करते हैं गाइस। अगर ये बन जाता है ना हमसे तो भाई मजा आ जाएगा। देखो मेरे को क्या क्या चीज चाहिए, जनरेटर से स्ट्रक्चर में जाते हैं और इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर में देखो जनरेटर तो इसमें बनना है, तो हम एक काम करते कोशिश करते हैं। नहीं है क्या? ओके तो क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी भाई? सारा तो कुछ है हमारे पास, क्यों प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अच्छा सॉरी मैंने टर्न ऑन नहीं किया। तो ये देखो एक जनरेटर तो हमने बना लिया, इसकी वायर वगैरह भी बनानी पड़ती है, तो मैं पहले वायर्स भी खोल लेता हूँ इसकी। देखो एक तो हमें ये चाहिए होती है ओके एस प्लस की, एक तो एक जनरेटर तो बन गया और आई थिंक और कौन सी चाहिए होती है हमें, एक ये भी चाहिए होती है क्या? तो ये भी ले लेते हैं, मैं सारी को लेता हूँ ना जीरो वाली, क्यों टेंशन लेना है, मैं तो जीरो लग रहा है ऐसे भी। एस प्लस में हमारे कोई भी वेस्ट नहीं होते ना, वो इनग्राम्स वेस्ट नहीं होते, तो अच्छा है हम एस प्लस के ही बनाएंगे सारे आइटम। तो अब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर थोड़े से बना लेते हैं। देखो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो भाई हमें ये चाहिए, इसके लिए ना वुड चाहिए, तो हम एक काम करेंगे वुड थोड़ी सी ले देंगे और इसको भी बनाना चालू कर देंगे। अच्छा गाइस मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, तो देखो ये चल रहा है अभी, क्या बोलते हैं ये फैब्रिकेटर चल रहा है, पर साउंड आउट कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये एस प्लस का, इसमें साउंड नहीं आता, अगर हम नॉर्मल वाला बनाते हैं तो उसमें साउंड आता। तो एस प्लस अच्छी चीज़ है गाइस, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अभी हम एक काम करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन वाला हमें चाहिए और शायद इसके दो पीस बना लेते हैं हम, ठीक है। और एक ये वाला हमें जरूर चाहिए और एक ये लेते हैं क्या गाइस, चलो एक इसे भी बना लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए गाइस, केमिस्ट्री बेंच और चाहिए। तो केमिस्ट्री बेंच के लिए हमें क्या करना होगा, आई थिंक स्ट्रक्चर्स में जाके क्राफ्टिंग में जाके केमिस्ट्री बेंच चाहिए। ओके तो हम इसे बना सकते हैं क्या? ओके वेट इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए हमें 102। ओके तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और चाहिए गाइस, क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और बस जनरेटर वगैरह तो फिक्स हो गया है और हमें इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। वैसे मेरे पास 33 देखो ये इतना तो पड़ा है, पर इससे कुछ होगा नहीं, मेरे को थोड़े से पैरा वगैरह से मानने पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स बनते कैसे, चलो हम बना भी तो सकते हैं आई थिंक, चलो हम एक बार एक काम करते हैं फैब्रिकेटर में आई थिंक बना सकते हैं, तो चेक करते हैं एक बार। अब इसको बना सकते हैं ना, सिलिका पल्स चाहिए हमें, तो एक मेटल इनवर्ट और सिलिका पल्स वो भी तीन, ये चाहिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक के लिए। तो यार सिलिका पल्स तो यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा भाई, सिलिका पल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सिलिका पल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा पानी के अंदर। तो गाइस मैं काम कर दूं फिर आज अगर मैं सिलिका पल्स भी ले जाता हूँ, देखो उसकी भी हमें बराबर जरूरत पड़ी रही है ना, तो चलो हम सिलिका पल्स भी उठा लेते हैं। तो मैं अपने जरा वाटर गियर्स ले लेता हूँ, ये कितना किया एंगलर फिश 85, मैं इसको फिश टेम करने वाला हूँ, इसको टेम करने वाले हैं। और क्या से नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया, हाँ गया अब लगा। और मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई इशू तो नहीं है, कोई इशू नहीं है यहाँ, थोड़ा सा इशू आ रहा है, नहीं शायद वो हमारी तरफ नहीं आ रही है, क्या बात है। तो हम इसे जल्दी से खाना खिला देते हैं, क्या खाएंगे इसको, थोड़े से मीट देना पड़ेगा, तो मैं इसको ये दे देता भाई, प्राइम मीट है जल्दी हो जाएगी, हो जा एंगल फिश जल्दी हो जा, थोड़ा जल्दी हो जा, थोड़ा जल्दी हो जा, वेरी गुड एंगल फिश। तो हमने एंगल फिश को कर लिया है जल्दी से टीम, और इसे हम क्या करते हैं भाई, इसको हम किसी 127 लेवल की थोड़ी बहुत अपग्रेड हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा यहीं रहने देते हैं, तो एक काम कर तो यहीं रो स्टॉक ऑन कर देता हूँ ना पानी में, आई होप मतलब पानी में स्टॉक ऑन थोड़ा सा ठीक होता है, मेरे पास ऑक्सीजन है ना, हाँ शायद है मेरे पास ऑक्सीजन। चलो तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना भेज देता हूँ, वैसे मैं इसके लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, अच्छी चीज़ ये है बिल्कुल भी दूर नहीं जाना पड़ा हमें। तो अब मैं इसको छोड़ के यहाँ जा सकता हूँ, अब मैं इससे जा सकते हैं, अब हम इससे जा सकते हैं, इसको बोलो क्यों कर रहा है,
इस पर बैठ सकते हैं हाँ इस पर हम डायरेक्ट बैठ सकते हैं पता है क्या अच्छा मैं थोड़ी सी इसकी लेवल को भी अप कर लूँगा अगर हो गया तो ये मतलब होना तो चाहिए आई थिंक हाँ गाइस ये देखो ये देखो ये ऐसे लगा पास आपको दिख रहा है ना ये देखो आप बगल में देखो 600 700 800 कितने सारे मिल रहे हैं ना ओ भाई 900 रही ओ भाई 900 पड़ गया हमारे पीछे भाई 900 पड़ गया हमारे पीछे भागो 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 900 ही है ना ये 900 नहीं यार ये कुछ और चीज़ है इसको तो मार सकते हैं ये क्या कर लेगा हमारा मैं जबरदस्ती से डाल रहा था ये 900 नहीं यार नहीं अरे यार नहीं 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 मैं इनको खत्म कर दूँ यार बहुत डिस्टर्ब करती है सही में लो फिनिश हो गया तुम्हारा काम क्या यार मेरे को सिलिका पल्स भी नहीं लेने दे रहा देखो ये रहा सिलिका पल्स कितने सारे सिलिका पल्स मेरे को तो ये चाहिए बहुत जल्दी जल्दी फिर हम चलेंगे अपने बेस पर क्योंकि हमें आप जितने भी कलेक्ट कर सकते हैं ना हम सारे कलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे सिलिका पल्स की जरूरत है बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा सारे मतलब हद से ज़्यादा सिलिका पल्स चाहिए थोड़े से आगे चल के देखते हैं बहुत होते हैं मतलब देखो मैं बताता हूँ यहाँ हम जैसे एकदम जो ओशियन होता है ओशियन के अगर एकदम एंड में नीचे जाएंगे ना जमीन पर एकदम से तो हमें यहाँ मिल जाते हैं काफ़ी सारे सिलिका पल्स मिल जाते हैं यहाँ और सिलिका पल्स है देखो कितने सारे सिलिका पल्स हैं तो सबसे पहले हम इन्हें ख़त्म करते हैं क्योंकि यार ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं हद से ज़्यादा भाई इनसे भी हमें काफ़ी सिलिका पल्स मिल जाते हैं ये काफ़ी सिलिका पल्स मिल रहे हैं अबे यार इनका अपना ही चल रहा है अभी तक खत्म हो जाओ ना यार खत्म करो ना लड़ाई लड़ाई हाँ यार मतलब कभी पागलों की तरफ पीछे पड़ रहा है यार जाओ यहाँ से इलेक्ट्रिक की बहुत डिस्टर्ब कर लिया तुमने जाओ यहाँ से चलो हमने खत्म कर लिया ये रहे हमारे सिलिका पल्स जल्दी जल्दी से हम इनको सारों को कलेक्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से मुझको लग रहा है मेरी ऑक्सीजन कम बच गया है तो जल्दी से भागना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके मैं निकलते हैं यहाँ से गाइस तो गाइस हम आप अगर अपने बेस पर आप इसके पास सिलिका पल्स पड़े हैं तो मैं काम करता हूँ उसे थोड़े थोड़े करके ले जाता हूँ मतलब ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा इसे थोड़े थोड़े देखो आप थाउजेंड तो कितने सारे स्टेप्स हमें फिल कर लिए हैं गाइस अब इसको हम उठा सकते हैं कि हमें तो नहीं लगता मतलब मैं तो मुझे पक्का पता है मैं नहीं उठा सकता इसको तो हम क्या कर सकते हैं गाइस तो ये भी है हमारे पास ये कुछ एंगलर जेल को पता नहीं ये क्या काम में आता है पर लेट्स सी गाइस व्हाट डू थिंक ये यार मैं ले कैसे जाऊं इसे इतने सारे पल्स को मैं लेके कैसे जाऊंगा अच्छा इधर है ना तो कोई दिक्कत नहीं है हम यहाँ से पुल कर सकते हैं ना पुल कर सकते हैं हाँ पुल कर सकते हैं एक्चुअली हम अब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसको यार हटाता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है मैं सिर्फ पैंट पहन के रखूँगा अभी और हम चलते हैं सीधे फैब्रिकेटर के पास और जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक बनाते हैं और फटाफट से केमिस्ट्री बेंच भी बनाना है हमें वैसे हम यार रेड वुड के साइड तो आ गए हैं और यहाँ से कहीं से पता है घुसने की जुगाड़ होती है यहाँ पर मेरे को पता नहीं है सही से यहाँ पर कहीं पर 43 के आसपास मेरे को पता है यहाँ पर मैंने देखे थे रॉक ट्रैक्स मुझे तो याद नहीं आ रहा सही से कहाँ देखे थे मैंने यहीं कहीं से मतलब हम अंदर चले जाते हैं इसके चलो मैं एक बार देखता हूँ कि हम कहाँ से जा सकते हैं ये इसके अंदर कहीं पर मतलब ये जो पहाड़ टाइप के देख रहे हैं ना हवा में है ये हवा वाले पहाड़ इसके अंदर हम कहीं से घुसते हैं ना घुस गया था मैं लास्ट टाइम जब आया था मैं ऑफलाइन देखता हूँ कभी कभी तो कुछ अजीब सी चीज़ें वाइंड आउट कर लेता हूँ पता है वैसे नहीं मिलती मेरे को पर अबे वो हाँ एक सेकंड शायद मैं अंदर आ गया क्या ये क्या चीज़ है हाँ ये रहे ट्रैक्स रॉक ट्रैक्स इन्हीं की तो मैं बात कर रहा था ये देखो गाइस ये देखो ये है ना 50 लेवल का और ये 20 लेवल का तो मैं 50 लेवल का एक टेम करने की कोशिश करता हूँ भाई मैं दोनों को गिरा देता हूँ और मैं क्या करता हूँ इन दोनों को ही गिरा देता हूँ लगा के एक अच्छी सीन है यार एक पे नहीं लगा बस अब पास जाके लगाना पड़ेगा भाई पड़ा एक को गया और मैं दूसरी को भी गिरा देता हूँ क्योंकि वो खतरा बन सकता है हमारे लिए भाई
तो 20 लेवल वाले को भी हमने गिरा दिया और मैं इसे मार ही देता हूँ यार, क्योंकि हमें ना रबा नहीं चाहिए इसके साथ कोई भी। मेरे को ये वाला चाहिए। ओ भाई इसका टॉर्च तो देखो आप भाई, टॉर्च तो नहीं उठ सकता, तू नहीं उठ सकता अभी, तू इतनी जल्दी तो मैं नहीं उठने दूंगा तेरे को। ये भी खा दू और ये भी खा दू, चल हो गया। तो ये हो गया भाई हमारा वॉक ट्रैक टीम। अब मैं बताता हूँ ये बहुत सही चीज है, मैं आपको क्या बताऊँ, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे एक काम करता हूँ, इसे बेस पे भेज देता हूँ। चलो गाइस मैं इसकी थोड़ी सी लेवल अप कर लेता हूँ, और लेवल अप करने के बाद मैं आपको और भी चीज दिखाऊंगा। पहले हाल फिलहाल आप इसको देखो जरा, हाल फिलहाल आप इसको देखो जरा कि ये बंदा क्या चीज है। ये उड़ता तो नहीं है पर ये बहुत सही चीज है। देखो ये देखो ये ग्लाइड बहुत सही करता है। ये देखो किसी भी सरफेस पे चल जाता है भाई, देखो तो कहीं पर भी किसी भी सरफेस पे, आप इसे देखो जरा, ये देखो भाई कहीं पर भी, कहीं पर मतलब कहीं पर भी। ये देखो मैं इस पे भी चल सकता हूँ, ये देखो जरा, देखो ना इस पे भी चलना ना भाई, इस पे भी किसी पे भी किसी भी सरफेस पे हम चल सकते हैं इससे, और इससे हम इतने फास्ट ग्लाइड कर सकते हैं ना, आप देखो जरा इतने फास्ट। ये देखो देखो आपने, ये देखो कितना फास्ट ग्लाइड करते हैं ना, ये काफी सही लगता है मेरे को ये चीज के लिए। पर ये पता क्या है, ये देखो बस ये उड़ता नहीं है, ये बस ऐसे ग्लाइड करता है। ये देखो और सबसे चीज पता है क्या, ये पानी के अंदर से भी जंप कर भी ग्लाइड कर सकता है। ये देखो इसकी स्पीड मतलब वैसे तो फास्ट नहीं है पर वैसे मतलब सही है। और एक और चीज मैं आपको उसके जरा अटैक्स दिखाता हूँ। देखो गाइस अगर मैं ना ऐसे राइट क्लिक करूँ मतलब लेफ्ट क्लिक करूँ तो ये बाइट अटैक करता है, नॉर्मल बाइट अटैक। और लेफ्ट क्लिक से यार ये कुछ करता है क्या, राइट क्लिक से तो ये कुछ भी नहीं करता आई थिंक, नहीं बस ये थोड़ा सा ग्लाइड अच्छा करता है, काफी अच्छा ग्लाइडर है ये, मतलब क्या ही बताऊं, बस बहुत सही ग्लाइड करता है ये, बहुत सही। मतलब आप देखो अगर इसे हम थोड़ा सही से ग्लाइड करने की कोशिश करें ना तो ये काफी दूर तक ग्लाइड कर जाता है। तो गाइस हम अपने बेस पे आ गए हैं और इसको हम यही छोड़ रहे हैं। और देखो मैं थोड़े से मतलब वहां गया था डेजर्ट के साइड में, तो मेरे को थोड़े से स्टेप मिली है, देखो ये कैक्टस है वहाँ पे बहुत मिल जाते हैं, तो मैं ले आया वहाँ से, मैं सोचा शायद काम में आ जाएंगे, तो ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हम नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेंगे यार, मेरे को भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैंने जो सोचा था अपने बेस के लिए थोड़ा कुछ बनाना, वो सब कुछ ट्राई करेंगे हम, और देखेंगे कोई नया डायमंड मिलता है तो उसे भी ट्रेन करेंगे गाइस। ठीक है ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।